Hey friends, welcome back to my YouTube channel. This is Lavanya here, and I am here with a very, very like trending video, and also I like such videos, so I thought why not to make this. And this type of video I have not made it on my channel yet, so it's first this kind of video. So please give it a big thumbs up. So yes, this is would you rather questions. Ka matlab wo hai, I'll answer for that. And there are almost 30 questions, so let's start. The first question is, would you rather be the smartest kid in class or the best player on a sports team? Smartest kid, I think. For me, it's smartest. Aap batana. Mera smartest kid. Ab koi smart hoga to he or she can be a good player, right? So let's move on to the second question. And the question is, would you rather live in a mansion or a farm? Mansion. Hi yeah friends, I thought ki aap log mujhe kaise bataoge, to fir main aapko is tarika bata dun. Agar aapke answer mere se match kare to fir video ko like karna, aur agar match nahi kare to isko subscribe karna. To agar mere is video se pe zyada like zyada aaye, तो मतलब मेरे वाले चॉइस वाले ज़्यादा आ चुके हैं, मतलब ज़्यादा हैं मेजॉरिटी, एंड सब्सक्राइब ज़्यादा हुए तो सब्सक्राइब जीते तो देखते हैं कि क्या होगा. कर देना भाई, अभी मत करना कि नहीं कर रहे हम करना. एंड देन वुड यू द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू रैदर बी एबल टू फ्लाई और रीड माइंड. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन यार. Want to fly and also want to read minds. Yeah, matlab wow. It's nice. This one goes really nice. अब बताओ आप क्या करोगे? Let me think. यार मुझे बहुत time लगेगा. वैसे read mind is nice. Fly तो airplane में तो कर ही सकते, कुछ तो होगा. I would read minds. I want to. Final. Read minds. Final. पता तो चले. अब देखो एग्जाम हॉल में टीचर से पूछो मैम इसका आंसर बताओ, वो बोल रही होगी नहीं तो अपने दिमाग में तो उसके आंसर सुन रहा होगा, तो टॉप करूंगी. यस. क्वेश्चन इज वुड यू रेदर ईट चॉकलेट केक और स्ट्रॉबेरी पाई. चॉकलेट केक हर लड़की की पसंद, चॉकलेट होती है, पता नहीं औरों का तो नहीं पता, मेरी तो है. सो यार इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, इट्स टू ऑब्वियस. चॉकलेट केक चाहे देखो, चॉकलेट से ना कुछ भी चीज़ बनी हो, जस्ट बी गाइस इट्स सो गुड यार. सो चॉकलेट केक इज माय आंसर. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वुड यू रादर रीड अ बुक द बुक और वॉच द मूवी. आई एम नॉट अ बुक रीडर. हाँ भाई, अगर इट्स लाइक अ नाइस बुक, कोट बुक एट थॉट्स की बुक है, देन आई कैन रीड इट, बट वॉच मूवी इज बेटर देन दैट. अच्छा एक ही चीज़ ही कह रहे हैं, मतलब कि अच्छा मतलब जिस चीज़ की मूवी देख रहे हैं उसी की बुक कह रहे हैं, तो फिर ऑफकोर्स दैट्स टू ऑब्वियस. मूवी देखने में जो मजा वो बुक रीड करने में नहीं है. वुड यू हैव ब्रेकफास्ट इन हॉट एयर बलून और डिनर इन अ कैसल. आई वॉन्ट टू फ्लाई इन हॉट एयर बलून. देखो हम ऊपर फ्लाई नहीं कर पाए, अब हम फ्लाई कर लेंगे. एंड और मैं मैंशन में रह रही हूँ तो फिर मैं काफ़ी लोग जाकर डिनर क्यों करूँगी. आई विल फ्लाई. मतलब देखा जाए अगर ये सब सच हो तो फिर ऑफकोर्स मतलब मैंने रीड माइंड फ्लाई और रीड माइंड में से रीड माइंड ले लिया, तो अब मैं फ्लाई यहाँ कर लूँगी. और मैं कैसे लिसने ले रही, बिकॉज आई ऑलरेडी लिव इन मैंशन एंड वो कैसे उसे तो होता नहीं है. So I will have breakfast in hot air. Question is, would you rather be the player or the coach? Player of course. Coach होने में क्या मजा है? आता होता हमें पता नहीं, हम तो player ही रह चुके हैं अभी तक. तो यार experience के लिए कुछ भी सही. So I would like to be the coach. So अपना answer बताना मुझे, याद रखना कि आपको video को like करना है अगर आपका answer मेरे से match किया है तो. Friends, so next question is, would you would you rather have a missing finger or an extra toe? Tricky question, right?
But I think having a extra finger is extra toe is fine. हाँ मिसिंग से तो अच्छा ही अगर इफ आई लॉस्ट दिस फिंगर मतलब यही हो गई तो मैं लिख भी नहीं पाऊंगी और थंप हो गया तो ओह माय गॉड नहीं हैविंग एक्स्ट्रा टू इज बेस्ट बेस्ट सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू रादर हैव द एबिलिटी टू फ्लाई और द एबिलिटी टू बिकम इनविजिबल सो अभी मैंने ऊपर फ्लाई किया ना हॉट एयर बलून में तो मैं इनविजिबल होना चाहती हूँ If मतलब अगर ये सच होता तो अच्छा है ना यार आई वुड लाइक टू हैव द एबिलिटी टू गेट इनविजिबल अगर इनविजिबल हो तो मैं हॉट एयर बलून पे टंग के चली जाऊंगी आई वुड लाइक टू हैव द एबिलिटी टू गेट इनविजिबल क्वेश्चन इज वुड यू रादर प्ले इन द बीच और इन द स्नो स्नो इज लाइक सो गुड वहाँ पे मतलब ठंड होगी एंड विंटर इज माय फेवरेट सीजन तो बहुत अच्छी बात है आई वुड लाइक टू प्ले इन स्नो अपना आंसर भी बताना जरूर सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू रादर लिव विदाउट म्यूजिक और लिव विदाउट टीवी एंड मूवीज लिव विदाउट म्यूजिक टीवी और मूवीज मतलब उसमें भी तो आता है म्यूजिक है ना ऐसा मतलब ऐसे राउड है ना पता नहीं चलो छोड़ो लिव विदाउट म्यूजिक आई विल लिव विदाउट म्यूजिक सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और इंडोर प्लम्बिंग इंडोर प्लम्बिंग मतलब पानी नहीं आएगा President? So, famous actor? President? Yeah, president. Maybe. I'm confused. दोनों से नहीं मिल सकते क्या? हाँ, so I would meet the president और उनको मैं बोलूँगी कि ना आप है ना न्यूज़ में या फिर कभी भी मतलब कहीं पे कोई ऑर्डर साइन कर दो कि लावण्या इज़ अ ऑसम गर्ल को सब्सक्राइब कर दो हाउ इज़ माय आइडिया सो हाँ ये मेरा प्लान खुफिया प्लान जिसे मैं यूट्यूब पर कितना खुफिया है आई विल मीट द प्रेसिडेंट तो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Would you rather be able to speak every language in the world or play every instrument? So, play every instrument. Language बोल के बस हम country घूम सकते हैं। Country घूमने के बाद भी ठीक है ना? No, I'll choose to speak any language. हम बोल भी सकते हैं। And then we can learn any language का कोई भी song. और हम मार्च भी सकते हैं इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा बट मैं क्या बेटिंग कंफ्यूज यार क्या करूँ मैं यार एवरी लैंग्वेज फाइनल या फाइनल और तो हम सीख सकते हैं ना लैंग्वेज सीखने में तो एवरी लैंग्वेज में जिंदगी लग जाएगी और इंस्ट्रूमेंट तो हम सीख लेंगे एवरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू रादर बी अ क्विट Skateboarder or a cage jungler. Skateboarder. ज़्यादा मज़ा आता है ना? ज़्यादा मज़ा आता है आपको पता है ना? मुझे चीज़ देखो तो. अभी हम जगह यहाँ पे. This and this. अभी मैं आपको जगह पे दिखाती हूँ. बस दो से ही आती है जगह करने में मतलब अलग-अलग चीज़ों से तो करते हैं. कैसी लगी? हाँ. बट यार स्टिल आई विल बी लाइक स्केटबोर्डर अगर मुझे नहीं भी आती होती तो आई वुड चूज स्केटबोर्डर बिकॉज मतलब पता है क्या जो एक वो मतलब कुछ आता है मुझे पता नहीं अब मेरे को याद नहीं क्या कहते हैं वो
जैसा और वो अपने आप चलता है, जैसा होता है ना कि हम जिस साइड थोड़ा वेट करते हैं हमें देते हैं उस साइड चलता है डर नहीं लगता कि गिरते Let's move on to the last question. The last question is, would you rather have a robot or a helper monkey? Monkey से डर लगता है. Helper robot चाहिए हमें. So I would like to have a helper robot. Helper robot. So this was all for my today's video. I hope आपको ये अच्छा लगा हो. मतलब अच्छा तो क्या ही लगेगा मैं कितनी बकवास करती हूँ बट स्टिल इफ यू लाइक इट मतलब आपको ऐसी वीडियो और चाहिए देन गिव इट अ थम्स अप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना सो बाय अगली वीडियो में मिलते हैं